2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, और 1-2 मिनट वेट कर लेते, कोई आता ठीक है, नहीं तो उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ओके फॉलिक एसिड कराने था ना, मतलब B9 कराना था, विटामिन B9। विटामिन के लास्ट बते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, मतलब लास्ट विटामिन B9 और B12 हमारे बचे हैं, उसके बाद हमारा विटामिन कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम एक बार कोएंजाइम देख लेंगे क्या होते हैं, अदरवाइज आपका ये फिर कंप्लीट ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं, आई थिंक कोई आएगा नहीं, चले स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा विटामिन B9 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक जो विटामिन B9 होता है, ये फोलेट होता है, फोलेट के नाम से हम इसको जानते हैं, यानी कि फोलिक एसिड, इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं और फोलेट भी बोलते हैं ठीक है। फोलेट इज ऑल्सो नोन एज फोलिक एसिड। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? चलें ठीक है, फोलेट और फोलिक एसिड ठीक है। इस विटामिन B9 को ही हम क्या बोलते हैं ठीक है, फोलिक एसिड भी बोलते हैं। जो फोलिक एसिड होता है ये क्या होता है, जो मतलब ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में डेवलप नहीं होता, यानी कि हमारे अंदर डेवलप नहीं होता, इसे हमें बाहर से ही कंज्यूम करना होता है एज अ डाइट सोर्स। आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं ठीक है, बाहर से ठीक है, ये हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होता। ठीक है, और इसको हमें जैसे आपकी इसकी जो फॉलिक एसिड की सोर्सेज होती हैं, अदर सोर्सेज डाइट, इसको आप नट्स से ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो आप उनसे ले सकते हैं आप इनको ठीक है, रिसोर्स जो इसकी होती हैं, और आप इनको जो मतलब इसमें किडनी लिवर से ले सकते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, आपकी जो ब्रोकली होती हैं, नट्स हो गए, ऑरेंज जूस हो गया, सिट्रस होते हैं जितने, उनसे भी आप इसको ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में आपको ये हाई अमाउंट में मिल जाता है ठीक है, जो आपका विटामिन B9 होता है। और ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो आपका बॉडी में स्टोर नहीं हो नहीं पाता, और आपकी जो
बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके साथ रिलीज हो जाता है, लाइक आपका यूरिन, स्वेटिंग, ठीक है, इनमें से आपका क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं ये विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इसलिए इनको आपको क्या करना था, डेली डेली अपने डाइट में ऐड करना होता है, डेली डेली आपको डाइट सोर्स में इनको मतलब डाइट सोर्स के थ्रू आपको इनको बॉडी में कंज्यूम कराना होता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस होती है या इनका प्रोडक्शन जो होता है वो आपको फॉलिक एसिड से ही लेता है, इस फॉलिक एसिड से होता है, इसलिए आपको विटामिन B9 आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आप मतलब विटामिन B9 की कमी हो जाएगी तो आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। आपको एक प्रेगनेंसी में भी ये दिया जाता है इसके, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब जो बॉडी में डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, आपके फॉलिक एसिड के थ्रू होती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको मतलब दिया जाता है कि आपको लेना ही लेना है, स्टार्टिंग के 2 to 1 to 3 months तक आपको दिया जाता है ये एज अ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के लिए आपको दिया जाता है, बेबी की ग्रोथ वगैरह के लिए, ठीक है। और जो आपका ये फॉलिक एसिड जो होता है इनसे जो आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको अनीमिया हो जाता है, क्योंकि जब आपकी रेड ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स आपकी प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसमें ये क्या होता है आपको अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और आपके ये एंगुलर क्लोसियस एंड इंजेस्टिव्स हो जाती है, इसमें क्या होता है आपके नाखून वगैरह जो होते हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टीथ वगैरह, टीथ जो होते हैं आपके जिंजेटिव्स में क्या होता है, टीथ आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सही से नहीं रहते, ठीक है, मतलब इस तरह के आपको डिजीज होने लगती है और इस तरीके से आपको दिखाई देने लगती है। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर एंड मैचुरेशन ब्लड सेल्स के लिए असेंशियल होती है, नेसेसरी होती है नॉर्मल फंक्शनिंग की, ठीक है। हिमेटोपोएटिक सिस्टम जो होता है आपका उसके लिए, और प्रिवेंट करती है अनीमिया में, वही जब आप ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता रहेगा तो आपको अनीमिया नहीं होगा, ठीक है, और हार्ट डिजीज से भी आपको प्रिवेंट करती है ये विटामिन B9, ठीक है, यानी कि फॉलिक एसिड, ओके। फिर अब बात करते हैं हम विटामिन B2 की, B12 की, जिसको आप जो विटामिन B12 होता है आपका, जो विटामिन B12 होता है आपका, इसका जो केमिकल नेम होता है कोबालामाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है कोबालामाइन, यानी कि आपके जो ब्लड में असेंशियल होता है, आपके ब्लड सेल्स के लिए असेंशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये भी आपका एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो आपको मतलब रिलीज हो जाता है आपकी वाटर आपकी यूरिन में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है, इसलिए आपको इसको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है, डेली डेली डाइट रिक्वायर्ड होती है इसको, इसके अमाउंट को मतलब इसकी अपनी बॉडी में इसको बनाए रखने के लिए विटामिन B12 को। तो इस वो भी ये भी इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके जब आरबीसी को बनाने में लिए, प्रोडक्शन के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आरबीसी का लेवल है, अगर विटामिन B12 की कमी होगी आपकी बॉडी में तो उसका जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसके लेवल को बनाए रखने के लिए आपको विटामिन B12 हाई अमाउंट में लेना होता है, यानी कि अपनी बॉडी में आपको इसका लेवल बनाए रखने होता है। अगर आप ऐसे नहीं बोल आरबीसी नहीं समझ पाते तो आप ब्लड बोल सकते हैं कि ब्लड की कमी हो जाती है जिससे आपको अनीमिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेन को हेल्दी रखता है, ये जो हमारा विटामिन B12 होता है ये आपके ब्रेन को हेल्दी बनाए रख रहा है, इसको आपके नर्वस सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर जो आपके नर्वस सिस्टम्स होते हैं, जो एक आपकी जो नर्वस सिस्टम होते हैं इनके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, अगर ये माइल आपके बॉडी में जो विटामिन B12 है अगर ये पूर्ण मात्रा में नहीं होगा, अगर ये इसकी कमी होगी तो वो आपकी माइलिन शीट क्या होती है डैमेज होने लगती है, तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए आपको विटामिन B12 आपको लेना होता है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से आपके जैसे ये फॉलिक एसिड था इसकी भी कमी होने लगती है, यानी कि डेवलप नहीं हो पाता बॉडी, ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता बॉडी में, ठीक है। तो विटामिन B12 से क्या होता है, एक तो ये आपको इससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन होती है आपकी बॉडी में, अगर इसको सही अमाउंट में नहीं लिया जाता, डाइट में ऐड नहीं करते, जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन करता है
नहीं करते तो आप क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, लेजीनेस हो जाती है, अब सुस्ती सी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इसको आपको एनर्जेटिक रहने के लिए भी इसको विटामिन B12 को लेना होता है, हाई अमाउंट में ही लेना होता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, कुछ इनसे मतलब इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे आपका विटामिन B12 है, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि ये इसमें दिक्कत हो जाती है, ये आपको हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल ग्रोथ में हेल्प करता है आपको, ये विटामिन B12 हेल्प करता है आपको मेटाबॉलिज्म बनाने में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आपको आपकी इसमें फंक्शन जो होते हैं आपके ब्रेन के, उनके लिए अच्छा होता है, गुड फॉर ब्रेन। ठीक है, फंक्शनिंग के लिए, आप फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मैंने बताया आपको RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। ठीक है, और जो आपकी जो एनीमिया होता है उनसे आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और जो इनके गुड सोर्स होते हैं, जो इसकी आपके B12 के जो सोर्सेज हैं, वो आपके आपको पता ही है, नट्स आपको अच्छे लेने होते हैं, आपको मिल्क लेना होता है, मीट लेना होता है, योगर्ट लेना होता है, चीज लेना होता है, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपना आपको लेना होता है, आपको अपने डाइट में ऐड करना होता है। ठीक है, और सी फूड्स जो होते हैं आपको उनको लेना होता है, जो ऑर्गेन मीट वगैरह होते हैं वो। ठीक है, आपको ये सब लेने होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हो उन सब में हाई अमाउंट में आपको विटामिन B12 मिल जाता है, आपको वो भी अपनी डाइट में ऐड करने होते हैं। तो कुछ इसमें क्या होती है कि जैसे, और जो आपका जैसे आपने देखा है ना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होता है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह इसमें भी क्या होता है, जो कॉर्नफ्लेक्स होता है इसमें भी आपके जो ये है आपके कॉर्नफ्लेक्स होते हैं जो आपके, इनमें क्या होता है कि ये B12 हाई अमाउंट में अवेलेबल होता है, हाई अमाउंट में होता है, तो आपको मतलब कॉर्नफ्लेक्स अगर आप मिल्क में डालें, मिल्क में भी B12 होता है, विटामिन B12 पाया जाता है, तो अगर आप इन दोनों को मिल्क में डाल के खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोनों में ही विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, तो जिससे आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाती है अगर आप इनको लेते हैं। और मशरूम होती है, मशरूम में भी बहुत मतलब रिच सोर्स होता है ये भी आपका विटामिन B12 का, तो मशरूम भी खाएं, वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि जैसे विटामिन B12 जैसे ये ब्लड में होता है, तो विटामिन B12 की लेवल अगर हाई हो जाता है आपकी बॉडी में, तो उससे उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे क्या होता है डिजीज होने लगती है। तो जैसे कि जो नेचुरल सोर्सेज होती है इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनमें आपको लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपकी हाई अमाउंट मतलब इसका लेवल अगर हाई हो जाता है, B12 का लेवल हाई हो जाता है आपके ब्लड में, तो आपको लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है अगर विटामिन B12 का लेवल हाई हो जाता है आपके ब्लड में, और अगर लेवल B12 का लो हो जाता है आपके ब्लड में, लो ब्लड लेवल के लिए क्या होता है, उसमें क्या होता है आपको अनीमिया हो जाता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ डिजीज हो जाती है आपको। ठीक है, और आपको एक मल्टीपल माइलोमा हो जाता है, जिसमें वही कैंसर हो जाता है जो आपके प्लाज्मा सेल में एंटीबायोटिक बॉडी बनाता है वो सब, तो उसमें उस वो वाला आपको इसमें भी कैंसर हो जाता है, तो इसलिए इसका लेवल ना हाई होना चाहिए ना ही इसका लेवल आपके उस बॉडी में लो होना चाहिए। अगर ये दिक्कत हो फिर नहीं तो आपको ये वाली जो डिजीज होती है इनको फेस करना पड़ता है, तो आपको इसलिए इसका लेवल मेंटेन करने के लिए आपको बस इसको एज अ डाइट आप में को ऐड करना पड़ता है इसको। ठीक है, और तो इसमें कुछ सोर्सेस वगैरह आपको बता ही दिया इसमें कि आपको मीट, एग, मिल्क, चीज, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, आपको सी फूड और ऑर्गन मीट वगैरह ये सब आपको अपनी बॉडी में ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका विटामिन B। ठीक है, विटामिन B आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम कोएंजाइम की। ठीक है, कोएंजाइम क्या होते हैं, मान लीजिए।
बात करें कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या होता है, ये फैक्टर होते हैं, कोफैक्टर टाइप होते हैं कोएंजाइम, सॉरी ओके 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 सॉरी, वो गलती से हो गया होगा। तो जो आपकी ये कोएंजाइम होते हैं, ये कोफैक्टर का ही टाइप होता है, टाइप ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं। अब मतलब ऐसे फैक्टर्स या केमिकल्स बोल सकते हैं आप, जो लूज बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ, मतलब लूज बॉन्ड बनाते हैं, अगर लूज बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, टूट सकते हैं और सेपरेट हो सकते हैं एंजाइम से, ठीक है। लूज बॉन्ड क्रिएट बनाते हैं ये, और वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एंजाइम, जब वो लूज बॉन्ड होते हैं आपके, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, आपके बॉन्ड से सेपरेट हो जाता है। तो और फिर इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कंपाउंड्स बोल सकते हैं आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के लिए आप लो विटामिन FAD, NAD, NADP, तो ये सब क्या होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट्स, ये कौन था, ठीक है। तो मतलब ऐसे होता है कि इसमें ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, बस इसमें यही है कि कोएंजाइम्स जो है वो लूज बॉन्ड बनाते हैं आपके एंजाइम्स के साथ, जिससे वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जो कोएंजाइम्स होते हैं वो मतलब जो विटामिन होते हैं वो एज ए कोएंजाइम आपके मतलब होते हैं, जितने भी होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आपके जितने भी विटामिन होंगे वो कोएंजाइम्स होंगे। तो आप इसमें देख भी सकते हैं, जैसे मैं इसमें आप लिखा हुआ दीजिए आपके, इसमें देख लिखा हुआ भी यहाँ पे, दे बाइंड लूजली टू एन एंजाइम एट द एक्टिव साइट टू हेल्प कैटलाइज रिएक्शन, मोस्ट आर विटामिन, विटामिन डेरिवेटिव और फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यानी कि जो इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने आपके दिए विटामिन FAD, NAD, तो ये क्या होते हैं, आपके फंक्शनल करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि इनको फंक्शन कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके। जो NAD होता है, यानी कि आपको निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और आपके जो और इसमें NADP होते हैं, जो आपके निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। NAD और NADP, ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जो इनको फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एमाइड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। आपका FAD होता है जो ठीक है, ये होता है FAD एंड ATP, NAD, ठीक है। और जो इसके ये इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है जो, ठीक है, ये FAD, NAD, NADP, ATP, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके फंक्शन कराने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो कोफैक्टर होते हैं वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर ना तब कोफैक्टर बनाते हैं, यानी कि वो प्रोटीन नहीं होते, वो कोफैक्टर होते हैं या ऑर्गेनिक मोलिक्यूल होते हैं, जो एंजाइम्स को इनहेंस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कोफैक्टर होते हैं वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर कोफैक्टर बनाते हैं, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होते, सिर्फ उसके साथ मिलकर बनाते हैं, ठीक है। इसमें साइलेंट फीचर्स देखे, कोएंजाइम्स आर हीट स्टेबल होते हैं, गो एंजाइम्स होते हैं वो जो हीट स्टेबल होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, कोएंजाइम कंबाइन होते हैं लूजली विद एंजाइम्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यही इसमें मेन है, एंड सो द कोएंजाइम कैन बी सेपरेटेड इजली बाय डायलिसिस, यानी कि ये इजिली सेपरेट हो जाएंगे, जब लूज बॉन्ड होगा इनका तो वो ऑब्वियसली इजी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो टूट जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे यानी कि, ठीक है। तो आपको ये चीज इसमें याद रखनी है, ओके ओके। तो यहाँ पे तो आपका ये खत्म होता है, आपका कोएंजाइम भी खत्म हो गया, आपका पूरा विटामिन खत्म हो गया, और अब आपका ये पूरा यहाँ पे फिनिश होता है ये वाला टॉपिक, ठीक
है। अब किसी को कुछ पूछना है इसमें, या नोट्स तो आप लोगों के पास इसमें है ही, ठीक है। बस आपको अब प्रोटीन से, आप सब लोगों ने क्लास ली हुई है तो प्रोटीन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन से सब न्यू स्टूडेंट्स से उन जो एक दो होंगे वो बिल्कुल बाद में आए होंगे, उनके लिए तो फिर यही है कि यूट्यूब पे जाएं, आप चेक करें वीडियोस को, उसमें आपको मिल जाएगा प्रोटीन, ठीक है। बी फार्मा डी फार्मा एक साथ डाले हुए हैं, अच्छा बायो केमिस्ट्री का, उसमें सब सब मिक्स है, कोई अलग नहीं डाले हुए, सब मिक्स है। आप सब देखे, सब जब आप वीडियोस खोलेंगे सब मिक्स कर रखे हैं उसमें, सब एक साथ डाले हुए हैं, कोई अलग फोल्डर नहीं है कि जिसमें आपको सिर्फ बी केमिस्ट्री बी बायो केमिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी, या आपको उसमें एनालिसिस की मिलेगी या फार्मास्यूटिक्स की मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सब मिक्स कर रखे हैं क्योंकि सबके लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। कोई नहीं, आप ढूंढ ले, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जब आप खोलेंगे तो आपको प्रोटीन वगैरह का मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आपका हो गया कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं फिर भी मैं थोड़ा सा आपको प्रोटीन, अगर चाहते हैं तो मैं लाओ समझा देती हूँ आपको, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, जो आप जैसे कि आप माला देखते हैं, माला बीट्स की माला होती है, यानी कि एक धागे में आप जब बीट्स को डालते हैं तो वो माला का माला बन जाती है ना, माला का, उसको माला ही तो बोलते हैं, मोतियों की माला। जैसे कि आपके कोई, हमने धागा है, इसमें हमने आपके मोती डाल दिए, ये मोती हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, माला। तो इस माला को तो हम बोलते हैं प्रोटीन, जो बहुत सारे मोतियों से बनी है, एक धागे में है और बहुत सारे मोतियों से बनी है। ये क्या होगी आपकी, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जो इसमें ये मोती हैं, जिनको हम बोल रहे हैं मोती बोल रहे हैं, तो इन ये क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स, यानी कि जो मोती वाली की फॉर्म में है ये, इसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड। और इन जो एमिनो एसिड के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जो धागा है, ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों मोतियों के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड, समझ में आया। तो ये हमारे, और जो, और फिर इन सब का जो ये बनता है, ये स्ट्रक्चर पूरा क्या होता है, प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड से जो बना है वो होते हैं आपके प्रोटीन, ठीक है। जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है अमीनो एसिड से, वो बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आपके जो प्रोटीन होते हैं उसमें जो मेन होते हैं वो 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, इनको हम ए ए भी बोल देते हैं, ठीक है। कितने टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते तो और भी है, लेकिन जो मेन होते हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर किसे बोलते हैं, जो छोटे छोटे आपके जो ये अमीनो एसिड्स है इनसे जो मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। एसिड से मिलकर ये आपके जो बन रहे, जैसे ये है, ये है, तो इसमें छोटे छोटे अमीनो एसिड से इनके मिलकर जो बना है वो क्या होता है, ये पॉलीमर होता है, ठीक है। इसको पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जब पेप्टाइड चेन होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, मतलब जो वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलती है। जैसे कि ये तो स्ट्रेट में हो गया, तो कॉम्प्लेक्स में कोई हेलिकल हो जाएगा ऐसे, तो ये जब मतलब स्ट्रक्चर ले लेता है किसी का, तो वो जो हो जाएगा, तो वो चेन क्या कहलाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन कहेगी, जब वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ जाएगी। फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी। इतना समझ में आया। और हमारे 2 टाइप ऑफ हमें प्रोटीन्स होते हैं, असेंशियल असेंशियल प्रोटीन होते हैं, नॉन असेंशियल प्रोटीन होते हैं। असेंशियल प्रोटीन वो होते हैं जो हमें बाहर से आपको अपनी डाइट में ऐड करने होते हैं,
असेंशियल प्रोटीन, ठीक है, जो आपको बाहर से अपनी डाइट में ऐड करने होते हैं वो आपके असेंशियल प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन्स आपके बॉडी प्रोड्यूस करती है उनको बोलते हैं हम नॉन असेंशियल प्रोटीन, यानी कि आपको वो बाहर से डाइट में ऐड नहीं करने होते, वो आपकी बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस करती है, उनको बोलते हैं नॉन असेंशियल प्रोटीन। और असेंशियल प्रोटीन जिनको आपको बाहर से अपने डाइट में ऐड करना होता है वो कौन से होते हैं? असेंशियल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, और जो आपके प्रोटीन्स है वो टू टाइप्स के हो गए, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, लाइक सिल्क, सिल्क हो गया आपका, इस टाइप का जो होते हैं फाइबर्स लाइक, जो फाइबर के स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। और ग्लोबुलर होते हैं जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है, जो इस टाइप के होते हैं आपके, ये कौन से होते हैं? ग्लोबुलर होते हैं। ओके, फिर आपके इनके स्ट्रक्चर होते हैं आपके प्रोटीन के, आप ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना, बताए थे ना आपको, ठीक है, तो वो देख लेना आप। उसमें यही है कि जब आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है, मतलब एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ प्रोटीन का, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। जो बोन्स का था ये, ठीक है, देखें ये है आपका, जब एमिनो एसिड है इसमें जब डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि आपका वाटर रिलीज हो जाएगा, जब H2 आपकी इससे रिलीज हो जाएगा तो आपका पेप्टाइड बोन्ड बनता है, यानी कि CONH बनेगा आपका, CONH का जो बोन्ड बनता है यही पेप्टाइड बोन्ड कहलाता है। ये हमारा है, ये देखो, ये हमने अमीनो एसिड लिया, ये अमीनो एसिड लिया, इसमें वाटर रिलीज कर दिया, तो बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है ये आपका, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। इनके जो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, अमीनो एसिड्स को जो कनेक्ट कर रहा है ये आपका क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि CONH, ठीक है, ये ओके, ठीक है। फिर इसका क्लासिफिकेशन है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, मैक्रोपेप्टाइड, ठीक है, यानी कि जो दो एमिनो एसिड्स कंटेन करे वो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड जो थ्री एमिनो एसिड्स कंटेन कर रहे हैं, टेट्रापेप्टाइड जो फोर एमिनो एसिड्स कंटेन कर रहे हैं, ओलिगो जो मोर देन 10 एमिनो एसिड्स होते हैं वो, और पॉली वो जो मतलब एमिनो एसिड्स जो मोर देन 100 100 से आपके जो मतलब 10 से ज्यादा होते हैं वो, और मैक्रो होते हैं जो 100 से कम होते हैं, ठीक है, आपके वो होते हैं। ओके, ये सब तो आपको ये वाला बॉन्ड भी समझाया था इसमें, ठीक है, इन दोनों के होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये सी टर्मिनस होता है आपका, तो और एंड जिस पे होगा एंड टर्मिनस पे होगा, और एंड टर्मिनस पे आपका स्टार्ट होता है तो सी टर्मिनस पे आपका एंड होगा, ठीक है, ये सब बताया था ना। तो अब इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबने समझ लिया ना? चलें जी, अब आज मैं सेंड कर दूंगी, आज मैं अब आपकी इस क्लास से फ्री, तो अब मैं आपको सब सेंड कर दूंगी, ठीक है, अब इससे मैं अब फ्री हो गई आपकी रिवीजन वाली क्लास से, तो अब आपका क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया, आप सब अब बराबर हो जाएगा, अब आपकी सिर्फ रेगुलर क्लास मिलेगी, तो आज मैं आपको आपको नोट सेंड कर देती हूँ, ओके, ठीक है, चलें तो फिर, ठीक है बच्चों, मिलते हैं। इस क्लास में बेटा अटेंडेंस नहीं होती, वो रेगुलर क्लास, जी, मैंने आपकी मॉर्निंग क्लास में लगा दी थी, ठीक है, चलो, ओके बच्चों, फिर बाय बच्चों, बाय, चलो।